हाय फ्रेंड्स, हाय फेस्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2 के 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जीरोज़ फाइंड आउट करना, जीरोज़ के बीच और कोफिशियंट के बीच रिलेशन कैसे दिखाते हैं, कैसे बताते हैं, अगर आप नहीं सीखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी मत कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आए सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहले कलर चूज कर लेते हैं, कलर बढ़िया आना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पिछले वाली बात, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और इसका क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशियंट के बीच। तो इस क्वेश्चन में यूनिक क्या है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखते थे हमको क्या होता था, पॉलीनोमियल जो दिया जाता था वो किस फॉर्म में दिया जाता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया जाता था, और दिया जाता था, और को जो हमारा पॉलीनोमियल होता है उसका फॉर्म यही होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्म हमारा यही होता है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा भाई, हमको बनाना पड़ेगा इस पॉलीनोमियल को, हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी देखिए, इस पॉलीनोमियल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो हाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। एक की जगह कुछ नहीं है तो एक तो है, एक से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस में फाइव है, अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये प्लस माइनस हो सकता है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन फॉर्म क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी रहना चाहिए। माइनस फाइव है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है तो माइनस फाइव हो जाएगा भाई। अब क्या, बी वाला टर्म कहाँ गया हमारा, तो बी वाला टर्म नहीं है ना हमारा, तो उसको हम जीरो एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के साथ हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो ही हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और जीरो जोड़िए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो बिल्कुल समझ में बात आई होगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए, पॉलीनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, इस पॉलीनोमियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस फाइव लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस में फाइव हो गया, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखे, और माइनस फाइव ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, और फाइव को हम क्या किए, रूट फाइव का स्क्वायर कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि रूट फाइव का अगर स्क्वायर आप करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, फाइव ही मिलेगा। थोड़ा बहुत तो हम चेंजिंग कर सकते हैं ना, रूट फाइव है, अगर रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमको क्या मिला, पाँच ही ना मिला, फाइव ही ना मिला, तो मिल गया भाई। अब क्या सोच सकते हैं, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस में रूट फाइव स्क्वायर है तो रूट फाइव को हम बी बोल सकते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर आ माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्म में तो ये आ सकता है कि नहीं, तो आ सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी यह आ गया, ए माइनस बी यह आ गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए। अब जानते हैं कि दिया गया पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल होता है, तो हम दोनों को जीरो के इक्वल कर दिए। अब एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे, कर देंगे। तो एक्स प्लस फाइव जीरो है तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक रूट फाइव लिख सकते हैं, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में दिखेगा। अब क्या, जीरोज हमारा एक आ गया माइनस रूट फाइव, दूसरा आ गया रूट फाइव। इतनी बात समझ में आई, जीरोज हम फाइंड आउट कर लिए। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस फाइव, यानी दोनों जीरोज है उस दोनों जीरोज को हम जोड़ देते हैं, तो सम मतलब जोड़ना ही होता है, पहला रूट फाइव प्लस फाइव, तो माइनस रूट फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नीचे में हमारा कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है, वन है, मल्टीप्लाई में वन हो गया। चेक कीजिए इसको कोफिशियंट है कि नहीं, तो माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स,
तो माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोफिशियंट क्या है, जीरो है, तो जीरो है। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या, एक है, तो एक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस रूट फाइव इंटू रूट फाइव, रूट फाइव रूट फाइव मल्टीप्लाई हो गया कितना आएगा फाइव, माइनस लगा हुआ माइनस आ गया। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होता, तो वही है कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, तो कॉन्स्टेंट टर्म फाइव है और आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, उम्मीद है समझे होंगे, नहीं समझे होंगे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिए समझ में इसमें ये पॉइंट ये बातें हमको नहीं आई, फिर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।